राजा की दूसरी शादी हो गई और नई रानी महल में आ गई। इधर रूप बसंत भी अब बड़े होने लगे। समय बीतता गया, राजा अपने राजकाज में व्यस्त रहने लगा और रानी जो पति के प्यार का अभाव खटकने लगा। तो एक दिन क्या होता है कि रूप बसंत अपने अन्य दोस्तों के साथ में गेंद खेल रहे थे। गेंद उछलकर रूप की मौसी के महल में चली गई। अन्य बच्चों ने कहा कि रूप कंवर, तुम हम सब में बड़े हो, इसलिए महल में से गेंद लेकर के आओ। तो दोस्तों, रूप महल का फाटक खुलवाता है। उसकी मौसी रूप कंवर को देखकर रूप के रूप पर मोहित हो जाती है। क्या कहती है और रूप कंवर क्या जवाब देता है? सुंदर शान कुंवर की देखी लगी जिगर पे चोट। सुंदर शान कुंवर की देखी लगी जिगर पे चोट, नखरे से कहने लगी कर घूंघट की ओट। महला के मां गेंद हमारी आगी मौसी भूल में तो मौसी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी मौसी आशिक के अधीन होकर क्या कहती है? भर रहे सारे गलियारे, बालक खेल रहे सारे, बालक रोला दे रे, गेंद जल्दी ला कह रे, गाली बक फिजूल में चीज धरी खाने की, तेरी बाहों में मेरी आजा, झोटे दूंगी ही झूल में, मैं टूटरी से फूल में। हाथ फेर दे, निगाह की फेर मेहर दे, अच्छा? माता के वसूल में बड़ अंग का सजिया हो के रगिलग चौपड़ की बाजी, खेलेंगे नए रूल में, मैं टूटरी से फूल में। हो पाप की भरी से कोड़ी, क्यों बोले तू ओली सोली, मैं भोजन थाल सजाऊंगी, डोल के चवर जिमाऊंगी, जुलम मत मोसी ढावे, पुत्र ने पति बनावे, इज्जत गेरे धूल में। से रूप कंवर की मौसी जो कि इश्क नशे में अंधी थी, रूप से उल्टी सीधी बातें करने लगी और रूप क्या कहता है?
मौसी हाथ छोड़ मेरा। उमर मस्ती की मस्तानी केक पे आवे जवानी, कहानी अमर बनावे बात दुनिया घड़ जावे, कोन्या करूं कबूल मैं। मां गेंद हमारी अच्छा? आगी मौसी भूल मैं।